महापुरुषते चरणा। हर एक भाई को सत्य के पालन पर बहुत जोर देना चाहिए। जो आदमी अपनी वाणी का ख्याल रखता हो, सत्य बोलना चाहता हो, उसको भविष्य की बात निश्चित रूप से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये तो प्रारब्ध के अधीन है, हम उसमें क्या बता सकते हैं। हरेक भाइयों को मेरे विषय में यही समझना चाहिए, मेरे आने के विषय में गोविंद भवन की निश्चित टाइम होने पर भी मेरे लिए तो सबको यही समझना चाहिए कि मैं जितनी टाइम आ सकूं सो ठीक है। मैं कल मैदान में नहीं जा सका, मैंने कहलवा दिया। आज भी जो भाई मैदान में आवे वे ये समझ लें 6 बज जाए तो आना नहीं हुआ, विकल्प समझकर जाए। सत्य की विषय की बात चल रही थी। एक तो किसी की भी न तो स्तुति करो न निंदा करो, जिसमें कितनी बार दूसरे को राजी करने के लिए स्तुति करते हैं फुसलाते हैं तो उसमें झूठ निकलता है, ऐसे ही किसी की निंदा भी करते हैं उसमें भी झूठ हो जाती है। निंदा करते समय तथा स्तुति करते समय दोनों में ही लोग अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं, अतः जहां तक हो सके निंदा स्तुति से अपने को बचाओ, इसमें कोई फायदा नहीं है। फिर भी यदि निंदा करनी हो तो अपने दोषों की करो, और स्तुति करनी हो तो भगवान की करो, क्योंकि अपने दोषों को हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारे में कमी है, तो ये झूठ नहीं है। और स्तुति यदि भगवान की करते हैं तो जितनी करते हैं उतनी थोड़ी है, वो भी झूठ नहीं है। इसलिए निंदा स्तुति से बचो। मुझे आज आप लोग अच्छा समझते हो, भविष्य का कोई क्या कह सकता है, अपने लिए भी भविष्य की बात क्या कहे। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है निंदा स्तुति दोनों से अलग रहो। यदि कहीं कुछ कहना पड़े तो अपने नियत को साफ करके कहो, दब करके किसी की स्तुति मत करो, लोभ लालच में आकर स्तुति मत करो, और द्वेष में आकर किसी की निंदा भी मत करो। भगवान ने गीता में लक्षण बताए हैं, पापी के, पुण्यात्मा के, देवी संपत्ति, आश्री संपत्ति, योगी, गुणातीत, सकाम, निष्कामी, सबके लक्षण बता दिए। ये जिसमें हो वो योगी है, और ये जिसमें हो तो वो असुर है। भगवान ने कोई किसी की मतमतांतर की निंदा नहीं की, क्योंकि भगवान की नियत बहुत साफ है। इसलिए अच्छी नियत से बात करनी चाहिए। आदमी झूठ बोलता है उसका एक कारण भय होता है, भय के कारण आदमी झूठ बोल देता है। भय भी कई प्रकार के होते हैं, कहीं जीविका का नाश होता है ये भी भय है। यदि सत्य बोलेंगे तो हमारी जीविका चली जाएगी, आजीविका चली जाएगी, तो भय लगता है तो आदमी झूठ बोलता है, पर वो समझता नहीं है। सत्य बोलने से उसका भय अंदर से समाप्त होता है,
सत्य से यदि नुकसान होता तो भगवान भी सत्य को क्यों चाहते और दुनिया भी सत्य को क्यों चाहती है। सत्य से अंदर का भय मिटता है। सत्यवादी को कोई भय नहीं हुआ, वो निर्भय होता है। दूसरा आदमी झूठ बोलता है लोभ के कारण से, हमको लाख रुपयों के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोल करके लाख रुपए कमा भी लिए और अब आप मर रहे हो, उस समय रुपए तो यहीं रह जाएंगे, झूठ साथ में जाएगी। रुपए के लिए इतना लोभ क्यों करते हो? रुपयों से भगवान मिलते तो कोई बात नहीं थी, पर रुपयों से तो भगवान दूर रहते हैं। रुपयों से भगवान थोड़े ही मिलते हैं, भगवान तो सत्यता से समता से मिला करते हैं। और झूठ किससे होता है? राग द्वेष से। जहां सत्य रहता है वहां असत्य नहीं रह सकता, जहां ज्ञान रह सकता है वहां अज्ञान नहीं रह सकता। सत्य की स्थापना कायम होने से झूठ का कार्य, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये सब बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमसे क्रोध नहीं छूटता है, कोई कहते हैं लोभ नहीं छूटता है, कोई कहते हैं राग और द्वेष नहीं छूटते हैं, कोई कहते हैं कामनाएं नहीं छूटती हैं। आप एक सत्य का आश्रय ले लो, सत्य बोलो, आपके सारे दोष अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि सत्य रूपी सूर्य उदय हो गया तो दुर्गुण दुराचारों का सबका नाश हो गया। मनु जी ने केवल एक सत्य भाषण को ही सनातन धर्म माना है। पहले तो 10 लक्षण बताए धर्म के, फिर कहा कि 9 को छोड़ो और केवल सत्य पर ही जोर दो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसलिए हम लोगों को सत्य की स्थापना करनी चाहिए, हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज आप लोगों का जाने का विचार है, इसलिए सार बात और दामी बात मुझे कहनी है। तो मेरे हिसाब से सत्य और त्याग ये दोनों बड़ी दामी चीज है। हम दो भाई या दो मित्र दुकान में रहते हैं, उस समय में हमको त्याग का व्यवहार करना चाहिए। परिवार में भी रहते हैं, त्याग का व्यवहार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस परिवार समुदाय में मैं अपना कितना त्याग कर सकता हूं। आप जितने त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए शांति का दरवाजा स्वतः ही खुल जाएगा। आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, आपका भतीजा है, छोटे भाई का लड़का है, इनके साथ बहुत प्रेम का और त्याग का बर्ताव करो। आपके दुकान में कोई पट्टीदार है, पट्टीदार माने हिस्सेदार है, तो जमा खर्च करो, उस विषय में उनको बता करके करो, अकेले में मत करो। इतना रुपया इतना माल उस पाटीदार को साथ में रखो, और चाहे अपना भाई पाटीदार हो चाहे दूसरा पाटीदार हो, जब आप हिस्सा करो तो थोड़ा सा उसको ज्यादा मिले, ऐसी अंदर भावना रखो। जहां आपके अंदर स्वार्थ की गंध आ गई वहां बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपने स्वार्थ की चाल तो सब लोगों में है, हमारे प्यारे मित्र का हित हो ये दामी चीज होनी चाहिए। त्याग मुक्ति को देने वाली चीज है।
आप में कितने ही गुण हैं, लेकिन आपके अंदर यदि स्वार्थ है, लोभ है, रुपये आदि का आकर्षण है, मुझे कुछ मिल जाए ऐसी स्वार्थ की भावना है, तो आपके सारे गुण धरे ही रह जाएंगे। समझ लो, एक भाई ने आपको बहुत अच्छी बात व्याख्यान में सुनाई, हम लोग बहुत खुश हो गए। अब लोगों ने पूछा, आप कहां से आए जी? बोले, हम वृंदावन से आए। कहां जाओगे? सेतु बंद रामेश्वर जाएंगे। वो ब्राह्मण है। हम लोगों ने कहा, चलो हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण बोलता है, मेरे पास है, कोई आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं, अजी आप ब्राह्मण हो, आप कुछ तो ले लीजिए ना। वो जितना जितना इनकार करता है, उतनी उतनी हमारे देने की चाहना बढ़ेगी। यदि वह ले ही नहीं, तो व्याख्यान से जो असर पड़ा, उससे ज्यादा उसके त्याग का असर पड़ा। कितनी बढ़िया बात है। व्यवहार के कारण उसका व्याख्यान हमारे हृदय में जम गया, दृढ़ हो गया। जैसे कहीं पोली मिट्टी होती है तो भरते हैं तो वो जगह एकदम भरती चली जाती है, ऐसे हृदय में व्याख्यान में हमारा हृदय व्याख्यान से भर गया, क्योंकि उसका त्याग था। यदि कुछ ले लेता तो हमारे पर उतना असर नहीं पड़ता। यद्यपि लेना कोई बुरी चीज नहीं है, पर स्वाभाविक असर की बात बोलता हूं। जितना जितना उसमें लोभ दिखने लगता है, उतना उतना ही उसका व्याख्यान हमारे हृदय से वैसे ही निकलता रहता है, जैसे घड़े में से पानी निकलता है। और यदि वो मांगने लग जाए और कहने लग जाए, जी मैं ब्राह्मण हूं, गरीब हूं, मुझे कुछ सहायता करो, ऐसे मांगने लग जाए, तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़े। बात ये त्याग ही प्रधान है। स्वार्थ तो सब में है ही। घर में अच्छी चीजें आवे, स्त्रियां आदि त्याग करें, अच्छी चीजें दूसरों को दें। और दूसरे भी कौन से? स्त्रियों में जेठानी है, देवरानी है, बड़ी है, छोटी है, उनको दे तो देखो कितना परिवार में प्रेम होने लग जाए। चीज तो एक दूसरे को दे दोगे तो प्रारब्ध की बात है, परंतु व्यवहार में जो प्रेम है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है, ये त्याग से आप उपार्जित करते हो। व्यापार में यदि हमारे मित्र ने स्वीकार कर लिया तो हम पर बड़ी कृपा रही। व्यवहार में त्याग एक तरफ है और दूसरी तरफ 100 रुपया न्याय बताकर मैं ले रहा हूं कि देखो भाई ये मेरा न्याय है, तो इन दोनों में त्याग के सामने 1,00,000 रुपया भी कोई चीज नहीं है। त्याग से भगवान मिलते हैं, रुपए तो हम मर जाएंगे यहीं पड़े रहेंगे, त्याग का महत्व समझना चाहिए। मैं मेरी बीती हुई एक पुरानी बात कहता हूं, 40 वर्ष पहले की है, 28/1/41 का तो ये है ही, 73 वर्ष पहले तो ये है, और उससे भी 40 वर्ष पहले विक्रम संवत 1956 के लगभग की बात है। स्त्रियों को पति के द्वारा छिपाकर दिए हुए रुपयों से बहुत खुशी होती है। जैसे भाई लोगों की पुत्र के कमाने से हुआ करती है,
माने स्त्रियों को पति यदि गुप्त रूप से पैसा देता है तो स्त्रियों को खुशी होती है। कैसी खुशी होती है? जैसे भाई लोगों को पुत्र के सरसरे से सासरे से आए हुए धन से हुआ करती है, ऐसे खुशी होती है स्त्रियों को। मेरी उस समय 16 वर्ष की उम्र थी, स्थिति भी बहुत साधारण थी। हमारे पास कुल घर में पूंजी या तो 2000 की थी या 5000 की थी, इससे ज्यादा पूंजी नहीं थी। मैं रोकड़ से 5 रुपया लेता था और सच्चाई के साथ वहां लिख देता था 5 रुपया खर्च खाते नाम नगदी हस्ते जयदयाल, ऐसा लिख देता था। ऐसा कई बार हुआ होगा। मेरे पिताजी ने कभी पूछा नहीं कि जयदयाल तू ये 5 रुपये किस बात के लिए लेता है, तू इस 5 रुपये का क्या करता है, कभी मेरे से पूछा नहीं। वे जानते थे कि ये जानकर ये जनाकर लिख कर लेता है, कह करके लेता है। यदि पूछ लिया तो कदाचित ये आगे छिपा करके लेने लगेगा, इसलिए उन्होंने मेरे से जान करके पूछा नहीं। तो जैसे मेरे पिताजी ने ये गंभीरता से सोचा, ऐसे आप लोगों के ऊपर भी परिवार में ऐसा होना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं होती, वो व्यवहार व्यवहार से ही सीखा जाता है और व्यवहार व्यवहार से ही वो पैदा होती है। क्या करें, आजकल संसार में बहुत उच्च श्रेणी के पुरुष बहुत कम हैं। एक बहुत विशेष बात आप लोगों को सुनाता हूं। यदि मैं आप लोगों को व्याख्यान सुना करके आप लोगों से पूछूं कि बोलो जी व्याख्यान कैसा हुआ, ऐसा यदि पूछता हूं तो इसका अर्थ क्या लगाओगे? आप यही लगाओगे कि ये क्यों पूछता है, मान बढ़ाई के लिए पूछता है। अब खराब कौन कहेगा, व्याख्यान तो सभी भगवत संबंधी चर्चाएं अच्छी होती है। परंतु यदि मैं पूछने लग जाऊं तो आप लोग मेरी खुशामदी करोगे और मैं पूछता हूं तो मैं मान बढ़ाई में चला जाऊंगा, तो फिर ऐसे व्याख्यान देने से सुनने से लाभ क्या हुआ? मेरे व्याख्यान को लोग सुनकर प्रसन्न हो, ये भावना नीचे दर्जे की है। और मेरे व्याख्यान को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, खूब आदमी इकट्ठे हुए, यह भी नीचे दर्जे की बात है। ये महात्मा का सब व्यवहार नहीं है। अपने इतना ही देखना चाहिए कि अपन सब मिलकर के भगवान की चर्चा कहते सुनते हैं तो इसमें हमको कितना लाभ हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, ये बात तो ठीक है, पर मान बढ़ाई की भावना है ये अच्छी नहीं है। आप लोग इसके ऊपर गहराई से विचार करें। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इतने पर ही मत टिको, इससे आगे बढ़ो। घरों में आप त्याग का व्यवहार जब तक करोगे नहीं तब तक इन बातों का आप क्या अर्थ लगाओगे? और मैं आपको रहस्य की बात बताता हूं, दूसरों में नीचे दर्जे की बुद्धि और अपने में ऊंचे दर्जे की भावना करना, इसके समान कोई आपका नीचा भाव नहीं है। आप दूसरे को नीचा किस दृष्टि से मानते हो? आप कह दोगे कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, ये देखने का आपको अधिकार ही नहीं। आपको तो आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए।
और ये देखना चाहिए इसमें भी भगवान, मुझमें भी भगवान, सब में भगवान, तो नीचा कैसे हो गया? कोई आदमी नीचा कैसे हो गया? ऐसी भावना ऊंचे साधकों की रहती है। परमात्मा की प्राप्ति वालों की बात तो कुछ कही नहीं जा सकती, बात काम में लाने से दोनों को, वह भी बहुत जोर नहीं तो लाख भी कोई लायक का कोई काम की नहीं, समझ में नहीं आई बात। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी आज ये स्थिति क्यों है, क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझको तो मेरे कर्तव्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, आपके कर्तव्य की ओर नहीं देखना चाहिए। सब लोगों पर यह बात घटाई जा सकती है। आज एकांत में हमारी घनश्याम से बात हो रही थी, बद्रीदास भी थे, बहुत अच्छी बातें हो रही थी। दोनों के सामने जो बातें हुई वो कलकत्ते में इस मुसाफरी में भी नहीं हुई, शायद पहली मुसाफरी में भी नहीं हुई हो। दो आदमियों में जो बात होती है वो बात हजारों आदमियों के सामने खुल नहीं सकती है। कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी के सामने नहीं की जा सकती। ऐसी जो भगवान की बातें, गहरी बातें हैं, उनको यदि छिपाते हैं तो ये खराब नहीं है, ये तो भगवान की बात को और महत्व देना है। कोई संसार की बात छिपाए, अपनी गलती छिपाए, अपने अवगुण छिपाए, वो खराब है। बात कोई भी हो, संसार में सबसे बढ़िया बात परमात्मा की होती है। वह तो संसार में एक अलग ही चीज है। संसार में पुस्तकों में तो प्रेम की बातें देखते हैं, पर व्यवहार में देखने में नहीं आता है। इस बात का हमारे मन में बहुत दुख होता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, प्रेम की भी बातें सुनते हैं, स्नेह की बात सुनते हैं, त्याग की बात सुनते हैं। मैं भगवान की श्रद्धा की बात भी बहुत जोर देकर के कहता हूँ, श्रद्धा की महिमा भी बताता हूँ, नाम की महिमा भी बताता हूँ, परंतु ये आचरण में नहीं आ रहे हैं। क्या बात है? जिस श्रद्धा के प्रताप से एक क्षण में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दर्शन नहीं हो रहा है लोगों में। तो ये बातें मैंने आपको सुनाई है, ये कहने की इच्छा नहीं होती, न तुमको माने घनश्याम को, न बद्रू को, न हनुमान को, न स्वामी जी को, न आत्माराम जी को, क्या सुनाए? जीवेंगे तब तक कोई न कोई सुनने वाला तो होगा ही, कह देंगे नहीं तो साथ ले जाएंगे, क्या बताऊं? बहुत बातें जो हमारे साथ ही जाने वाली है। अभी तक हम हमारे मन की पूरी खुली बात किसी से कर नहीं सके हैं, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ी बहुत बातें सुनाई हैं, और भी मैं आपको आगे सुनाता हूं। व्याख्यान लंबा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण